हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये सुंदर सा फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाया मैंने। देखिए गाइस, ये है मेरी फैब्रिक। ये यहाँ पर मैंने स्लिक फैब्रिक लिया, आप चाहे तो कॉटन फैब्रिक ले सकते हैं। इसको टू फोल्ड करके फिर फोल्ड फोल्ड करना है। मैंने टू फोल्ड, फिर इसको ऐसे पकड़ के फोल्ड फोल्ड करना है। देखिए फिर मैंने फोल्ड फोल्ड कर दिया। अब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लेंगे 4 इंच और फिर इस साइड भी हम लेंगे 4 इंच। फिर इसको हम राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से हम लेंगे 9 इंच। यहाँ से भी 9 इंच और यहाँ से भी 9 इंच और यहाँ से भी 9 इंच। फिर इसको हम राउंड शेप दे देंगे, फिर हम कट लेंगे। देखिए फिर मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं दूसरे पीस को कटिंग करूँगी। उसके लिए कपड़े को फिर से फोल्ड फोल्ड करना है। देखिए फिर मैंने कपड़े को फोल्ड फोल्ड कर दिया। अब फिर से हमें यहाँ से लेंगे 4 इंच, फिर से हमें यहाँ से लेंगे 4 इंच और फिर इसको हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ से लेंगे थोड़ी बड़े बड़े, तो मैं यहाँ पर लूँगी 12 इंच। फिर यहाँ से भी लूँगी 12 इंच, यहाँ से भी लूँगी 12 इंच और फिर इसको हम राउंड शेप दे देंगे और फिर हम कट लेंगे। देखिए फिर ये मेरी सबसे बड़ी वाली घेर कटा है और ये जो 9 इंच लंबाई है वो वाली मैंने टू पीस किया। आप फिर से ये फोल्ड फोल्ड करना है। यहाँ से हम लेंगे 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच और इसको हम राउंड शेप दे देंगे। फिर यहाँ से हम लेंगे 6 इंच, यहाँ से भी हम 6 इंच और यहाँ से भी 6 इंच और फिर इसको हम राउंड शेप देकर कट लेंगे। देखिए फिर मैंने तीनों पीसेस कट लिया। अब जो सबसे बड़ी वाली पीस है उसको ऐसे रख के जो 9 इंच की लंबाई कपड़ा है उसको इसके ऊपर रख के जो गोला है उसके चारों ओर हम स्टिच कर देंगे। देखिए फिर मैंने स्टिच करके दोनों को अटैच कर लिया। अब इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेते हैं। इसको ऐसे पकड़ के अंदर हम डाल देंगे। और आप जो 6 इंच लंबाई कपड़ा है उससे उसको देख, पहले हम पाइपिंग लगा लेते हैं उसके गोलाई चारी और एक पाइपिंग लगाओगे, फिर हम कपड़े पर घेर पर अटैच करूँगी।
देखिए पहले हम इसको ऐसे स्टिच करके पाइपिंग कर लेते हैं। 2 इंच हाफ इंच कपड़े को रख कर, देखिए मैंने हाफ इंच कपड़े को रख कर कपड़े एक लाइन स्टिच कर दिया। आप जो बड़ी वाली घेर है वो देखिए बाहर है, और जो 9 इंच लंबाई कपड़ा था उसको मैंने अंदर टर्न कर दिया था। अब इस तरफ इसको ऐसे रख के पिन अप कर दूंगी। अब ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे 7 इंच, जहाँ मैंने 7 इंच सिर्फ इस जहाँ पर मैंने मार्क किया वहाँ से स्टिच करना है। यहाँ पर भी इस यहाँ से यह लेकर यहाँ तक स्टिच करना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करना, बाकी खुला छोड़ना है। देखिए फिर मैंने जो 7 इंच चौड़ाई मार्क किया था वहाँ पर दोनों साइड में स्टिच कर दिया, और जो बाकी का कपड़ा है वो ऐसे ही खुला है। अब इसको फिर से हम अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। देखिए अब इसको फिर जो पाइपिंग की जो एक स्टिच दिया था पाइपिंग के कपड़े को, इसको ऐसे फोल्ड करके फिर स्टिच करना है। देखिए फिर मैंने स्टिच कर दिया, पाइपिंग मेरी रेडी हो गई है। अब इसको फिर से अंदर की तरफ टर्न कर देती हूँ। देखिए मेरी पाइपिंग आया है शोल्डर की तरफ, कुछ इस तरह आया है पाइपिंग। आप जो तीनों लेयर है वो तीनों लेयर पर पाइपिंग लगा लूँगी मैं, ऐसे ही स्टेप पर पाइपिंग लगा लूँगी जैसे ये वाला पाइपिंग लगाया। देखिए पेन अब शोल्डर के लिए डोरी लिया, शोल्डर में डोरी अटैच करना है। इसको ऐसे टर्न करके दोनों आगे और पीछे वाले को एक साथ ऐसे रख के यहाँ पर एक डोरी लगाऊंगी, और यहाँ पर एक डोरी लगाऊंगी, ऐसे ही पीछे वाली पीसेस पे लगा दूंगी। आप चाहे तो 2 डोरी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास लंबाई डोरी नहीं थी इसलिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में डोरी लिया। तो इसको हम लगा के फिर स्टिच कर देंगे बीच में, या आप चाहे तो खुला ही छोड़ सकते हैं ताकि हम इसको बांध सके। अगर आप बांधना डोरी नहीं लगा सकते तो आप ऐसे ही जोड़ने वाली डोरी लगा भी सकते हो। ठीक है फिर इसको ऐसे रख के डोरी के ऐसे रख के स्टिच कर देंगे हाथों से पकड़ के, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर देंगे। देखिए फिर मैंने दोनों पीसेस पर डोरी लगा लिया। अब इसको ऐसे एक स्टिच लगा देंगे, यहाँ पर भी एक स्टिच लगा देंगे।
अब मैं इस तीनों लेयर पर पाइपिंग लगा लूँगी। देखिए फिर मैंने तीनों लेयर पर पाइपिंग लगा लिया। अब मेरी ड्रेस बिल्कुल रेडी है। आई होप ड्रेस सबको पसंद है, मैं टॉप की तरह पहन सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉप पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।